संतो ये जग दो दिन का मेला, सिग चली चली का खेला। इस संसार में जो आया है वो जाएगा, राजा हो या रंक हो या फकीर हो, सब यहाँ चली चली का है। आज आए हैं तो कल जाना है। ये जग, ये संसार, ये सृष्टि एक मेले की तरह है। लोग आते हैं, जाते हैं, भ्रमण करते हैं, वह सदा सदा के लिए चले जाते हैं। अपना इंतजाम करना ही आपने सबसे बड़ी कामयाबी है। जो लोग अपनी आत्मा का उद्धार करा लेते हैं, अपने आप को उस परम तत्व में लीन करा लेते हैं, अपने आप को परम शक्ति के न्यौछावर कर देते हैं, वही तो असली संत होते हैं। वही तो सच्चे भक्त होते हैं जो अपनी आस्था को अपने परमात्मा में, अपने गुरु में न्यौछावर कर देते हैं। सतगुर संत विराजियां, कहो कहाँ को जाए, अनंत रूप प्रकट भया, देह धरे दिखलाएं। इस संसार में अनंत रूप प्रकट हो करके जीव संसार में उत्पन्न होता है, फिर कहाँ को जाएंगे। बस आते हैं, चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं, व्यर्थ में जीवन चला जाता है। बस अपना इंतजाम कर लें। जो भक्त अपने जीवन का रहस्य जान लेता है, अपने जीवन का मूल ठिकाना समझ लेता है, वो आवागमन के चक्रों से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो ये चक्रों को नहीं समझ पाता है, बस अपने काम में व्यस्त रहता है, बस अपने कार्यों में लगा रहता है, वो लोग यही नरक के भोगी रह जाते हैं। बस आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, उनके साथ साथ बार बार उनके साथ यही चक्र लगा रहता है। क्योंकि अपनी कोशिश करिए, अपने कोशिशों को नाकाम मत होने दें, क्योंकि आप ही तो हैं महान हैं, आप ही हैं जो परम शक्ति के लायक हैं, आप ही हैं जो परम बुद्ध जीवी हैं। संसार में सभी जीवों से बढ़कर के मानव जीवन है, क्योंकि बाकी के सब अज्ञान हैं, लेकिन मानव ही एक ज्ञान है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है और सब कुछ समझ सकता है। वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आप अपने कर्तव्यों पर अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि इस सृष्टि में आप कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ करने वाला है वो तो परमात्मा है, जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है। बस अपने कर्तव्य अच्छे से निभाते रहिए, जिसके आपकी जीवन की चक्रों का सदा सदा उसी परमात्मा में लीन हो जाए। यही तो एक संगम है, क्योंकि यहाँ संसार है, यहाँ संगम है, यहाँ सब लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कब कौन मिले या न मिले। लेकिन आज का ख्याल रखिए, जिससे आपका, आपकी आत्मा का कल्याण हो सके, यही तो परम सत्य है। सत्य स्वरूपी ज्ञान यूं ज्ञान बटोरत राही, हे मालिक जगत कल्याण, वेद स्वरूप सब जाई। क्योंकि इस संसार में सत्यता को जानते हुए अपने वो कर्म कीजिए जो आप करते हैं। आप अगर सत्यता को जानते हुए भी अज्ञानता के कार्य करते हैं, वही आपको इस संसार से विमुख कर देंगे, वही आपके संसार से बिल्कुल अलग कर देंगे। क्योंकि यही तो सत्य है। जिसने ज्ञान से परमात्मा को समझा, जिसने ध्यान से परमात्मा को जाना, जिसने मनन रूप से संसार में परमात्मा को प्रकट करके अपने शब्द स्वरूपी आत्मा को पहचाना, वही तो परम सत्य ज्ञान है। गुरु चरणों में पाइए सतगुरु बंदी छोर, संत साहेब दास मुनि कह गए बंदी ओर। क्योंकि इस संसार में जो बंद छुड़ा दे, आपकी कैद को छुड़ा दे, वही तो बंदी छोर है।
आपकी आत्मा को इस संसार रूपी जंजाल से निकाल करके बाहर खड़ा कर दे, वही तो परम शक्ति है। क्योंकि आप हमेशा सत्य से जुड़े रहिए, आप निर्मल सत्संग ज्ञान के सत्संग के नित्य ध्यान में लगे रहिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।